Hello, my dear trainees. A very good evening to all of you. Well, how are you doing today? Well, I'm hoping you all are doing very well. So, I am your trainer, Prerna Dhakkar. Welcome you to another informative, another wonderful session full of knowledge, which I will be sending across. Okay. As you all know, this training is getting facilitated by our great telepolis. through the knowledge partner IACT Education. So today we are going to study lot about what are exactly personal protective equipments, protective gears. किस तरह से COVID से बचने के लिए, किस तरह से COVID 19 से बचने के लिए इन तरह के equipments का यूज किया जाता है इस तरह की प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है ठीक है सो लेट्स मूव ऑन सबसे पहले तो जस्ट कीप अ नोटबुक एंड पेन विथ यू हैंडी सो दैट एनी कंफ्यूजन अराइजेज यू जस्ट नोट इट डाउन एंड इन द नेक्स्ट लाइव सेशन आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेरीज ओके सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिस इज हाउ इट लुक्स अब ये लुक्स तो ऐसी है होता क्या है This is very important to know, I tell you. Personal protective equipments Personal protective equipments are protective gears designed to safeguard the health of workers by minimizing the exposure to a biological agent. Two personal protective equipments PPEs are protective gears ये एक प्रोटेक्टिव गियर्स का काम करते हैं ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि टू तो सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ वर्कर्स ताकि जो वर्कर्स हैं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या जो बाहर आ जा रहे हैं स्पेशली जो ऐसी कंडीशन में जा रहे हैं रिस्की जोन में जा रहे हैं उनके लिए इस तरह का इक्विपमेंट डिज़ाइन किया गया है ताकि उनका उनकी प्रोटेक्शन हो सके से लाइक वायरसेस बैक्टीरिया अभी तो जो दिस इज एग्जैक्टली दिस इज डिजाइन दिस वे टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट ऑल आर हेल्थ केयर वर्कर्स आर डॉक्टर्स फ्रॉम दिस फ्रॉम द वायरस एंट्री देयर बॉडी ओके क्योंकि सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स में कौन है हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स फ्रंट लाइन में जाके कौन काम कर रहा है डॉक्टर्स आर कमिंग फॉर्वर्ड नर्सिस आर कमिंग फॉर्वर्ड जो वहाँ पर जितना भी स्टाफ है हॉस्पिटल का जो उस एन्वायरमेंट में काम कर रहा है वो तो डायरेक्टली दे आर ट्रीटिंग पेशेंट सच पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम सच ए कंटेजियस डिसीज कॉल्ड कोविड नाइन्टीन विच वी आर स्टडिंग एक्चुअली कंटेजियस और भी डिसीजेज हैं लेकिन जो हम स्टडी कर रहे हैं कोविड नाइन्टीन क्योंकि ए पेंडेमिक इट हैज कॉज्ड पेंडमिक सो मच है वॉक ग्लोबली तो इस तरह का एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस तरह का एक आप कह सकते हैं ड्रेसअप डिजाइन किया गया है ताकि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको मिनिमम रिस्क रहे किनसे किनसे किन अटैक होने का मिनिमम रिस्क रहे माइक्रोब्स, इट कैन बी वायरस बैक्टीरिया उन उनकी बॉडी में जाने का मिनिमम दे कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द माइक्रोब्स entering inside their body through these protective equipments okay next move on components of personal protective equipment are for a dress up design hair right to safeguard to safeguard our healthcare workers or anybody who is going in contact हु इज़ गोइंग क्लोजर टू अ कोविड नाइन्टीन पेशेंट लेकिन मेनली कॉल यूज़ करते हैं इसको ऑब्वियसली फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स बट किसी ऐसे सिटेशन में जैसे आप देखते हैं एम्बुलेंस में एम्बुलेंस इज कमिंग यू नो टू पिक द पेशेंट वंस दे आर नोट वन दंस द हॉस्पिटल इज नोट इफाइड दैट दिस आर पेशेंट इज नॉट मे बी फॉर एग्जाम्पल एक कॉल आता है एक फैमिली से कॉल आया हमारे घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है सम्बडी इन आर फैमिली हैज डायग्नोज विद कोविड नाइन्टीन राइट कौलगया हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आई है अब एम्बुलेंस में भी जो उन्हें लेने के लिए आएंगे फ्राम फ्रॉम द हॉस्पिटल हु विल बी असिस्टिंग द पेशेंट टू बी टू बी टेकन इन साइड द एम्बुलेंस तो दल्सो रिक्वायर प्रोटेक्शन राइट सो वो प्रोटेक्शन कौन मेंटेन करेगा किसके थ्रू होगा थ्रू द सेफ गार्ड इंस्ट्रूमेंट सॉरी इक्विपमेंट थ्रू दिस सेफ गार्ड इक्विपमेंट कॉम्पोनेट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर क्या इसके कॉम्पोनेट होते हैं किस किस, क्या, किस, -किस से design, बना होता है फर्स्ट गॉगल्स फेस शील्ड जैसे वो क्या होती है क्या आप देखें यहां पे दिस इज आई वोड शो यू है दिस इज अ फेस शील्ड आप इस लेडी को देखो इस लेडी के ये जो लगा हुआ ना ये ब्लैक आपको दिख रहा है दिस वन दिस ब्लैक लाइनिंग जैसे एक हेलमेट पहनते हैं ना और यहां से आपने इसको इस तरह से फेस शील्ड आगे एक तरह का क्या है प्लास्टिक सा तो दैट इज इस तरह की फेस शील्ड ताकि माइक्रोब्स की एंट्री फेस में कौन सी एक्सपोज पार्ट है जिसके थ्रू वायरस की एंट्री हो सकती है कौन से ऑर्गन्स है आईज है नोज है माउथ इसके थ्रू एंट्री ले सकता है तो ये फेस शील्ड क्या है प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है और किससे बना होता है गॉगल्स ये रहे गॉगल्स ये रहे ये है ट्रांसपेरेंट गॉगल ठीक है तो ये एक कॉम्पोनेंट है किसका किसका पीपी किट का ठीक है जी ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका ये एक कॉम्पोनेंट है ईदर गॉगल्स और फेस शील्ड कोई भी लगा सकते हैं राइट नाउ लेट्स मूव ऑन मी जस्ट क्लियर दिस फर्स्ट नाउ अब चलते हैं सेकेंड इज मास्क मास्क हम सब जानते हैं राइट right? लेकिन हम प्रॉपर वी विल स्टडी अबाउट देयर डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क वी विल स्टडी अबाउट इट ये रहा फेस मास्क ठीक है दिस इज सर्जिकल मास्क नाउ ग्लोव भैया हमें हाथ भी तो कवर रखने हैं क्योंकि मान लो हमने किसी आप ट्रीट कर रहे हो किसी कोविड पेशेंट को या मान लो वायरस किसी सरफेस पे भी तो वो सर्वाइव कर जाता है ऐसे सरफेस सरफेस को टच किया वायरल ट्रीटिंग अ पेशेंट गलती से गलती से भी मान लो आइज़ के पास फिंगर लग गया गलती से मान लो नोज माउथ के पास तो आपके हैंड में भी प्रोटेक्शन होना चाहिए बॉडी के जो पार्ट्स एक्सपोज हैं फेस कवर हो गया और क्या हाथ हाथ एक्सपोज रहते हैं पैर एक्सपोज रहते हैं ठीक है और कपड़े जो आपने पहने हैं उसमें भी कहते हैं ना वायरस को हम कहते हैं कि बाहर से आना है प्रॉपर वॉशिंग लेनी है क्लोथ चेंज करने हैं क्यों हाइजीन के लिए ताकि कहीं पे भी वो वायरस बैक्टीरिया अगर वो है कहीं सरफेस पे है कपड़ों के भी सरफेस पे फाइबर के भी सरफेस पे सो so दैट उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में ना जा सके तो ग्लोब्स हाथों को कवर करने के लिए गाउन्स ठीक है एक तरह के इस तरह के गाउन्स होते हैं आई विल ये जैसे मान लो ये पूरा पहना यहाँ से चेन बंद किया पूरा इट फ्रॉम द लेग्स टू किट ओवो एंड देन क्लोज द चेन, दिस इज द वे वन दिस द फॉर्म ऑफ गाउन एक गाउन में आपको दिखाती हूँ अभी इन द नेक्स्ट स्लाइड फॉर एग्जाम्पल सी ये कैसा है ये गाउन की फॉर्म में लग रहा है लग रहा है जैसे अगर आप देखो ये एक तरह का कपड़ा यहां तक पहना है ये पूरा एक वन पीस टाइप काइंड ऑफ पहन लिया और उसके पीछे की तरफ या बैक में भी स्ट्राइप्स से बंद किया दो स्ट्राइप हो सकती है तो दो स्ट्राइप किसी में दो स्ट्राइप एक नेक से फास्टन किया एक बैग वेस्ट की तरह से फास्टन किया फास्टन मतलब उसको गांठ लगा दी बांधा तो ये देखिए अनब्रेकेबल गॉगल्स ओके, इफ आई मूव बैक सी गाउन अभी आपने जो देखा वो गाउन का लुक हेड कवर हेड कवर में हेड कवर में हेड कवर के लिए एक तरह का कैप होता है जो कि अभी हम आगे देखेंगे दिस इज द हेड कैप हेड कवर ओकेड कैप हेड कवर ठीक है ये ब्लूश शेप ब्लूश कलर में शू कवर शू कवर ये देखो शू कव दिस इज शू कवर ताकि शूज के भी सर्फेस पे कहीं कोई ठीक है वायरस या वो सरफेस पे यू नो दैट इट कैन सर्वाइव तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं से भी एंट्री को रोकना है माइक्रोब की एंट्री कहीं कहीं से भी उस फॉरेन बॉडी की एंट्री को रोकना है नाउ मूव ऑन तो अब ये हो गया पीपी -पी किट ये पूरा टाइप वन वो कह रहे हैं इस तरह की भी होती है इस तरह की भी होती है डिफरेंट डिजाइन के भी टाइप थ्री दिस वन ठीक हेड कैप फेस शील्ड दिस इज दीज टू फेस शील्ड फेस मास्क नाइट्रेट हैंड ग्लोव ये रिस सर्जिकल ग्लोव व्हाइट शेड में ब्लू शेड में दिस था सर्जिकल ग्लोव ट्रांसपेरेंट गॉगल ट्रांसपेरेंट गॉगल्स टू प्रोटेक्ट द आईज टू प्रोटेक्ट द हैंड्स टू प्रोटेक्ट द ओवरऑल फेशियल ऑर्गन्स लाइक आईज mouth and nose face mask again a protection nose or this mouth region this region now head cap to protect your hair hair region okay so let's move on let's see components of personal protective equipment ये देखिए अनब्रेकेबल गॉगल्स हो गए ठीक है ये हेड कैप लगा रखी है यहां पर थ्री प्लाई फेस मास्क ये थ्री प्लाई फेस मास्क मतलब होता है जब आप न, है ये आप फेस मास्क देखेंगे ना इसके थ्री लेयर्स हैं मैं ये रहा आपका फेस मास्क थ्री लेयर्ड होता है ये ठीक है थ्री प्लाई मतलब थ्री लेयर ठीक है थ्री प्लाई फेस मास्क कुछ टू लेयर्स वाले भी होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क ठीक है जब किसी क्लोथ से उसको कंपोज करते हो आप उस पर कहते हैं ना किसी चीज पे परत पे परत परत, परत चढ़ा चर, देना ऐसे एक फैब्रिक की इसमें थ्री लेयर्स क्रिएट की जाती है एक के ऊपर एक एक के ऊपर तो जिससे प्रोटेक्शन और अच्छी हो जाती है माइक्रोब्स के एंट्री अगर कोई माइक्रोब आपको पास भी आता है और थ्री लेयर्स इस तरह से बनाई जाती हैं टू प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरन बॉडी ओके वन लेयर सेकेंड लेयर थर्ड लेयर ठीक है okay? layer, layer, layer. अब ये है हो गया और ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बाद में अच्छे से आर इसे कहते हैं ईयर माउंट ईयर माउंट मतलब ईयर में एडजस्ट हो जाता है यहां से ठीक है ये कहां पे ये कहां पे नोज और ये माउथ का रीजन और ये चिन्ह में इस तरह से चीक से जाता हुआ चीक से जाता हुआ ये यहां से ईयर से प्रॉपर माउंट हो जाता है नाउ डिस्पोजेबल सर्जन गाउन ये सर्जन का डिस्पोजेबल ये सब डिस्पोजिबल है ठीक है दिस गाउन ये देखो ये स्ट्राइप है ये पूरा गाउन ऊपर से वेयर कर लिया ठीक है और ये यहां से अप ठीक है दिस इज डिस्पोजिबल मतलब जिसको थ्रो कर दो जैसे वन टाइम यूज यूज किया अब फेंक दो पेशेंट्स को देखा आज पहना हुआ था थोड़ी देर के लिए पेशेंट्स देखे अब नहीं जाना उस वार्ड में अब थ्रो इट अप ठीक है वन टाइम यूज सर्जिकल ग्लोव सर्जिकल ग्लोव सर्जिकल ग्लोव मतलब जो सर्जरी करते हैं तो हाथों में पहनते हैं ज़रूरी है किसी को इन्फेक्शन है कोई प्रॉब्लम है सर्जरी करेगा डॉक्टर सर्जन तो डेफिनेटली दे रिक्वायर देयर ओन प्रोटेक्शन एज वेल ठीक है उनको अपनी भी सेफ्टी ज़रूरी है शू कवर ये शूज पे दिस इज द शू कवर एक तरह का प्लास्टिक जैसा होता है पॉलिथीन जैसा प्लास्टिक जैसा वो शूज पे एडजस्ट कर लो ऐसी फुट की टाइप की शेप में मतलब इस तरह का डिजाइन होता है कि आपके फुट में पूरा एडजस्ट हो जाता है मतलब कि शूज के ऊपर अच्छे से एडजस्ट हो जाता है नाउ ईच कॉम्पोनेंट एंड रेशनेल फॉर इट्स यूज इज गिवन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स अब हमने जो पढ़ा इक्विपमेंट्स अब उनको डिटेल में स्टडी करते हैं वट एग्जैक्टली फेस शील्ड एंड गॉगल्स दे टू दो अभी आप काफी कुछ जान चुके हो बट काफी चीजें हैं आपको एग्जैक्टली exactly जाननी है किससे बने होते हैं क्या होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास्क वी विल स्टडी अबाउट बट आर मास्क विल स्टडी ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क एंड नाइन्टी फाइव रेस्पिरेटर मास्क मास्क भी अलग अलग तरह के होते हैं नाउ फेस शील्ड एंड गॉगल सबसे पहले कॉम्पोनेंट हम स्टडी करते हैं फेस शील्ड एंड गॉगल्स द प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्रेन ऑफ द आईज नोज एंड माउथ बाई यूजिंग फेस शील्ड गॉगल्स इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन देखो जी सबसे पहले ये जो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं नोज हो गया आईज हो गया माउथ हो गया ठीक है इनमें एक तरह की ना लाइन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी वो कैसी रहती है हमेशा वो एक तरह का सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिसे कहते हैं म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है क्या है ये जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आते हैं ना उनसे प्रोटेक्शन करना कहाँ कहाँ है? कौन कौन से ऑर्गन्स की लाइनिंग में आईज नोज माउथ इनमें मिलेगी बॉडी के और भी पार्ट लेकिन ये म्यूकस मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है आपको आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना फॉरेन बॉडी से ठीक है इस ये, ये क्या करती है एक तरह का सब्सटेंस स्टांस सिक्रीट करती है निकालती है एक तरह का उसे म्यूकस कहते हैं म्यूकस होता है एक थोड़ा सा थिक कर, थिक टाइप का लिक्विड होता है एक ठीक है लिक्विड फॉर्म में वो हमेशा थोड़ा सा गीला 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 सा वेट वेट मेंटेन करके रखता है अंदर से ऑर्गन को ठीक है अब उससे क्या होता है जैसे कोई बाहर से फॉरेन बॉडी या माइक्रोब किसी का भी अटैक तो प्रोटेक्शन में इट रियली हेल्प्स ठीक है म्यूकस क्या इट्स अ थिक फ्लूड कौन कौन सीक्रेट करता है उसको निकालता कौन है म्यू मु... म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में, में. वो निकालते हैं एक तरह का ये म्यूकस फ्लूड एक तरह का थिक सा फ्लूड हमने आपने ये पढ़ा था एक बलगम आती है फ्लिगम जब आपने स्टडी किया था कि जब लंग्स में इन्फेक्शन चला जाता है वो कैसी बलगम बहुत ज़्यादा थिक होती है म्यूकस इस तरह का लेकिन उस टाइम पे तो बलगम एकदम से इस तरह का म्यूकस आता है बिल्कुल थिक तो इस केसेस में यू यू कैन कंसिडर कि इसी तरह का एक थोड़ा सा लिक्विड सब्सटेंस लेकिन नॉट थिकर देन दैट काइंड ऑफ अ बलगम बट उसी तरह का थोड़ा जो क्या करता है प्रोटेक्शन में हेल्प करता है किससे फॉरन बॉडीज से ये मैं आपको थोड़ा सा स्टडी ये मैंने आपको बताना भी है इसकी शेप भी दिखानी है कहाँ कहाँ पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन अवेलेबल है अगर आप देखोगे ना ये दिस टंग रीजन म्यूकस आप देखो ये पिंकी पिंकिश रेड कलर का होता है आप ये माउथ uh, का अपर का पार्ट दिस 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 टंग से ऊपर का जॉ में अपर रीजन की तरफ ये अंदर का दैट इज रेडिश पिंकी पिंकिश ये इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है ठीक है सो एंड इनका ये रेडिश शेड की uh, वो होता है तो पार्ट ऑफ यूजिंग फेस शील गॉगल्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंड कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस तो ये म्यूकस क्या करता है फेस शील्ड एंड गॉगल्स द प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकस ये म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन में भी जाएगा अगर माइक्रोब या कोई एंट्री ले गया तो म्यूकस मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है अब म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई डैमेज कर दिया ठीक है जी तो पहले तो उसमें एंट्री ना ले कोई माइक्रोब अंदर जाए ही ना देन वी आर प्रोटेक्टेड द फ्लेक्सीबल फ्रेम ऑफ गॉगल्स शुड प्रोवाइड गुड सील विद द स्किन ऑफ द फेस जो फ्लेक्सिबल फ्रेम ऑफ गॉगल्स शुड प्रोवाइड गुड सील विद द स्किन ऑफ द फेस कवरिंग द आईज एंड सराउंड एरियाज एंड इवन अकोमोडेटिंग फॉर प्रिस्क्रिप्शन क्लासेस वो ये कह रहे हैं ये इस तरह से बने हुए होने चाहिए गॉगर्स भी कि प्रॉपर फिट हो जाए यहाँ पे प्रॉपरली ये नहीं कि ये जो गॉगर लगाया यहाँ से लूज जा रहा है है ना इट शुड भी प्रॉपरली इसकी प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए इट शुड भी प्रॉपरली फिटेड फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज मास्क देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास्क दो तरह के मास्क होते हैं विच आर रिकमेंडेड फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पर्सनल वर्किंग इन हॉस्पिटल और कम्युनिटी सेटिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क इन्वायरमेंट दो तरह के मास्क होते हैं जो रेकमेंड किए जाते हैं अलग अलग परपज के लिए वो कह रहे हैं एज पर दिस डेफिनेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास्क विच आर रिकमेंडेड फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पर्सनल वर्किंग इन हॉस्पिटल कोई कोई पर्सन जो हॉस्पिटल में काम करता है कैन बी अ डॉक्टर कैन बी अ नर्स जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कैन बी पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द वॉर्ड सेक्शन तो अब डॉक्टर्स के लिए तो ऑबियस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे आर डूइंग सर्जरी एंड ऑल दैट नर्सिस दे गो नीयर द पेशेंट राइट दे सो ये सारी उस केसेस में उन जो हेल्थ केयर वाली कैटेगरी आती है तो ये किस तरह के मास्क ज्यादा इफेक्टिव है इस तरह के मास्क कुछ मास्क कैसे होते हैं वो होते हैं वो कम्युनिटी सेटिंग्स के लिए बनाए जाते हैं कम्युनिटी सेटिंग्स के लिए एक तो हेल्थ इंडस्ट्री एक कम्युनिटी सेटिंग्स वाले ठीक है कम्युनिटी सेटिंग्स में कहाँ जाती है अब हाँ ये जो आम पब्लिक है सब क्यों? वो कहाँ कहाँ एक्सपोज रहता है उनका बाहर जाएंगे बाहर निकलेंगे तो पल्यूशन से एक्सपोजर से बचने के लिए अलग मास्क है ठीक है वो उसका पर्पज सॉल्व करते हैं तो मास्क की भी एक अपनी कैटेगरी है ठीक है ये हेल्थ इंडस्ट्री में डॉक्टर यूजुअली वहाँ पे क्या एक थ्री लेयर्ड यूजुअली थ्री लेयर सर्जिकल मास्क का यूज होता है जो कि डिस्पोजेबल होता है डिस्पोजेबल मतलब यूज़ किया जितनी देर तक रिक्वायरमेंट है छो कर दिया नेक्स्ट यूज किया ठीक है एज एंड वेन रिक्वायर्ड ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क एक होता है ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क तो दो तरह की कैटेगरी बता दी, एक है एन रेस्पिरेटर मास्क दो तरह के मास्क जो सबसे ज्यादा इस टाइम सबसे ज्यादा चलते हैं दे आर वेरी इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द माइक्रोब्स दे आर इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉरन बॉडी अब हम पढ़ेंगे ये एन नाइन्टी फाइव इसको एन नाइन्टी फाइव क्यों कहते हैं वट एग्जैक्टली इट इज ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क स्टडी वर्क दो अभी आपको मैंने ऑलमोस्ट बताया कि ट्रिपल लेयर ये क्या है अब मैं आपको बताऊंगी एक तरह के फैब्रिक से बनते हैं आपने देखा काफ़ी इस टाइम पे आप मास्क वो भी लगा रहे हो जैसे क्लोथ से कॉटन से बने हुए मास्क पीपल आर अप्लाइंग राइट सो मेनी पीपल आर अप्लाइंग ठीक है जो जो हेल्थ के health इस तरह के सिस्टम में काम करती हूँ ना लाइक हॉस्पिटल्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ मास्क आर रियली इफेक्टिव राइट N95 respirator mask is also very effective. Right? Now move on. Triple layer medical mask. A triple layer medical mask is a disposable mask. Fluid resistance provides protection to the wearer from droplets of infectious material emitted during coughing, sneezing, and talking. Even is your mask. what is ये फ्लूड रेजिस्टेंस है मतलब फ्लूड को रेजिस्ट करता है अंदर एंट्री नहीं आने देता फ्लूड की मान लो किसी ने छीका कॉफ किया।, किया बात की बात करते हुए कई बार मुंह से थोड़ा सा वो निकल जाता है हल्का सा सलाइवा कि हल्का सा सलाइवा सॉरी केम आउट तो अब उस केस में क्या होता है जब किसी के वो इस तरह से बनाया जाता है उसका वो इस तरह से डिज़ाइन होता है इस तरह के फैब्रिक से भी डिज़ाइन होता है तो वो जैसे ही कोई मान लो किसी ने आ, स्नीज किया कॉफ़ किया या क्या किया बात करते किसी की ड्रॉपलेट उसमें एंट्री वो अंदर नहीं होने दा होने देता उसकी थ्री लेयर की कवरिंग की वजह से सो so, इट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरन बॉडी एंट्रिंग ड्रॉपलेट्स कोई बिकॉज दिस इज फ्लूड रेजिस्टेंस तो ये ये इन्फेक्टिड ड्रॉपलेट से प्रोटेक्ट करने में बहुत फायदेमंद है एन रेस्पिरेटर मास्क अब जाते हैं एन नाइन्टी फाइव रेस्पिरेटर मास्क इज अरेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव ये क्या है इट इज़ अरेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस विद हाई फिल्ट्रेशन एफिशंसी टू पार्टिकल्स ये जो एन नाइन्टी फाइव मास्क है ये वो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस है इसे कहेंगे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाली डिवाइस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाली डिवाइस विद हाई फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, जिसकी बहुत ही हाई फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी है किसको फिल्टर करने की जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं अब एयर जो बाहर से फॉरन पार्टिकल आ रहे हैं जो कौन कैसे हैं है एयरबॉन है एयरबॉन मतलब हवा में है जो ठीके? जो ठीक ठीक है है हवा से आ रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है बहुत एफिशिएंटली टू प्रोवाइड द रिक एयर सील टू द वेयर दियर ये एक एयर सील प्रोवाइड करता है प्रॉपरली फिटेड फिट होता है अच्छे से नोज रीजन से लेकर प्रॉपर यहाँ से एयर माउंट सिस्टम एंड देन nose से लेकर पूरा ये चीक्स का ये वाला पार्ट ये पूरा टाइटली अच्छे से कवर करता है प्लस इसका फैब्रिक भी ऐसा होता है देखो ऐसा आप कोई मास्क देखो आपको सांस भी लेनी है आर यूर अ मास्क आप ऐसा ऐसा फैब्रिक यूज नहीं कर सकते आप ब्रीद ही ना कर पाओ फैब्रिक भी तो ऐसा होना चाहिए कि आपने पूरा इतनी देर के लिए अगर आप उसको अपने माउथ पे लगा रहे हो यू के नॉट अप्लाई एनी काइंड एनी काइंड ऑफ मास्क मेडअप ऑफ एनी एनी सच फैब्रिक विच इज़ नॉट लेटिंग यू टू ब्रीद राइट ऐसे किसी फैब्रिक से बना हुआ मास् जिसमें सांस ही नहीं ले पा रहे हो आप अप्लाई करो दम घुटेगा तो इस तरह के फेब्रिक से भी डिज़ाइन होता है प्लस वेरी वेल यू कैन अप्लाई इट पर इसको प्रॉपर पहनाओ तभी इफेक्टिव होता है याद रखो ये नहीं आपको पहनना ही नहीं आया तो कहीं से भी एक्स आपकी बॉडी आपका ये वाला पार्ट एक्सपोज है तो माइक्रोब्स की एंट्री हो सकती है तो जस्ट बी केयरफुल अप्लाई इट वेल एज वेल सच मास आर डिजाइन टू अचीव अ वेरी क्लोज फेशियल फिट यही जो मैंने आपको बताया ये मास इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं इनकी जो फेशियल फिटिंग फिटिंग होती है बहुत क्लोज होती है प्रॉपरली माउथ के साथ एडजस्ट होते हैं हो जाते हैं फिट हो जाते हैं सच मास शुड हैव हाई फ्लूड रेजिस्टेंस ये फ्लूड को ऐसे एंट्री नहीं लेने देते इतनी आसानी से हाई रेजिस्टेंट होते हैं ये फ्लूड रेजिस्टेंट होते हैं ये ठीक है ये लोग फ्लूड को इस तरह से कोई इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स आ रही है उसको एंट्री नहीं इतन, नहीं हो सकती दे आर डिजाइन इन सच अ वे गुड ब्रीथेबिलिटी आप इनको अगर लगाते हो तो सांस भी अच्छे से ले सकते हो या नहीं कि बहुत सफोकेशन हो रहा है माई गॉड मेरे मेरे चेहरे पे क्या लगा दिया मैंने जैसे आपको बताया इस तरह के फैब्रिक से बनाए जाते हैं प्रेफरेबली विथ एन एक्सपिरेटरी वॉल्व वो किसी जगह पे आपने देखा है वो आ, मास्क के बाहर एक वो एक वॉल्व सी बनाई जाती है एक्सपीरेटरी वॉल्व उसे कहते हैं ताकि थोड़ा सा वहाँ से जो ब्रीदिंग अच्छे से हो पाए क्योंकि वो इतना फिटेड होता है अच्छे से क्लियरली क्लियरलीफी आइडेंटिफिएबल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेसेस डगबिल कपशेप स्ट्रक्चर डिजाइन दैट डज नॉट कोलेप्स अगेंस्ट द माउथ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है कप शेप जिसको बिल टाइप का आप जब लगाते हैं नाइन्टी फाइव ऐसे इस एस तरह की शेप आती है ये यहाँ से गया ये यहाँ से प्रॉपर इस तरह का डिज़ाइनिंग होता है वो ये कह रहे हैं कि इट इज शेप्ड कप शेप सॉरी कप शेप स्ट्रक्चर डिजाइन दैट डज नॉट कोलैप्स बिटवीन द माउथ ऐसा नहीं है कि उ, उसकी जो शेप भी दी जाती है तो इस तरह से दी जाती है ताक, ताकि वो अच्छे से फिटिंग आपके फेशियल जो रीजन है उसके साथ अच्छे से उसकी शेप के अकॉर्डिंगली अच्छे से फिट हो जाए एडजस्ट हो जाए और आपको प्रोटेक्शन दे दे इफ करेक्टली वॉन वो कह रहे हैं अगर ढंग से पहना है तो यही मैं आपको कह रही थी इफ़ करेक्टली वॉन वॉन पहना है द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ दिस मास्क एक्सीड्स ऑफ ट्रिपल अगर ये ढंग से पहना है ना If correctly worn, the filtration capacity of these masks exceeds those of triple layer medical masks. अगर ढंग से पहना तो इसकी जो capacity है triple layer medical mask से ज़्यादा हो जाती है. ठीक है जी. Since these provide a much tighter air seal than triple layer medical masks. क्योंकि जो triple layer medical mask है उससे ज़्यादा tighter seal provide करता है. ठीक है तो इसीलिए इसका प्रोटेक्शन भी उससे ज्यादा हो जाता है अगर ढंग से उसको फिटेड तरीके से आपने पहना है दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट दियर इस तरह से ये डिजाइन किया गया टू प्रोटेक्ट द वेयरर फ्रॉम इनहेलिंग बॉर्न पार्टिकल्स इसी तरह से उसको डिजाइन किया गया ताकि प्रॉपर प्रोटेक्शन हो सके किससे जो एयरबोर्न पार्टिकल्स है एयरबोर्न पार्टिकल्स हवा में जो पार्टिकल्स वो क्या है पार्टिकल्स वायरस बैक्टीरिया इट कैन बी वायरस इट कैन बी बैक्टीरिया राइट जो आपने पढ़ा है एयरबोर्न पार्टिकल्स फॉरन बॉडीज राइट नाउ मूव ऑन नाउ कम टू ग्लव 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 हेल्प प्रोटेक्ट यू वेन डायरेक्टली हैंडलिंग पोटेंशियली इंफेक्शियस मटीरियल्स और कॉन्टेमिनेटेड सरफेसेस किससे हेल्प करेगा अगर आप कोई हाथों से कोई ऐसा इन्फेक्शियस मटेरियल हैंडल कर रहे हो राइट right? या फिर कॉन्टेमिनेटेड सरफेसेस। कॉन्टेमिनेटेड सरफेसेस मतलब क्या अगर किसी सरफेस पे मान लो ये एक पेपर है या मान लो एक टेबल है ठीक है दिस इज अ टेबल यहाँ पे कोई नियर बाय किसी के हाथ कंटेमिनेटेड थे किसी वजह से कोई पर्सन आया उसको इन्फेक्शन था इन्फेक्शन था उसने का ऐसे हाथ रखा और बाय चांस उसने इस टेबल पे हाथ रख दिया तो कहाँ आ गए वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो कहाँ पे आ गया सरफेस पे आ गया वायरस ठीक है अगर आपने ग्लव्स पहने होंगे प्रॉपर अगर आप उस टेबल से कुछ सामान तो ग्लव्स में आप वो डिस्पोजेबल आपने थोड़ी देर के लिए टच किया किसी वजह से और वो थ्रो कर दिए तो आपको डायरेक्टली फिंगर्स पे तो प्रोटेक्टेड है आपकी तो यूजुअली इसका कौन ज़रूरत किसके किसको है वैसे मेनली जो हेल्थ केयर सेक्टर में उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो काफ़ी बार पेशेंट को पेशेंट केयर में जाना ठीक है इन्फेक्शन मटीरियल को हैंडल करते हुए या कॉन्टेमिनेटेड सरफेस से बचाव के लिए ठीक है क्योंकि ये सरफेस पे भी सरवाइव कर सकता है ठीक है? गाउन फुली कवर टोर्सो अब टोर्सो क्या होता है फुली कवर टोर्सो फ्रॉम नेक टू नीज आर्म्स टू एंड ऑफ रिस्ट गाउन की ऐसा होता है फुली कवर करता है कहां से फ्रॉम नेक टू टोर्सो टोर्सो होता है ना जो ओ आर ओ टोर्सो बॉडी के उस रीजन को कहते हैं बॉडी की ही जो नेक से हेड छोड़ दो ठीक है ये ये जो हेड के बाद का जो आपका रीजन सारा स्टार्ट होता है ना ये नेक से ले लो नेक से लेकर आपकी लेग से पहले तक का ये जो पार्ट है बॉडी का इसे टॉर्सो कहते हैं ये हमारी बॉडी का ट्रंक होता है ट्रंक भी कहते हैं टी आर यू एन के ट्रंक बायो साइंसिस साइंसिस बायो साइंसिस में इसको अनैटमिकली ये नाम दिया गया है इस रीजन को बॉडी के नेक्सस से स्टार्ट हुआ हेड के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट से सीधा जो लेग स्टार्ट होने से पहले का रीजन इस टोर्सो तो ये गाउन कहाँ से वेयर कैसे कैसे नेक्स्ट से स्टार्ट होता है ठीक है पूरा नीचे तक जाता है फिर नीस को भी कवर करता है वो कह रहे हैं टोर्सोस रीजन से लेकर टोर्सो रीजन ये हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट से लेकर ये लेग के स्टार्ट होने से पहले तक का रीजन उसके बाद वो आगे नीज रीजन तक और या लेग्स को पूरा कवर करता है फ्रॉम फुली कवर टोर्सो फ्रॉम नेक टू नीज आर्म्स टू एंड ऑफ रिस्ट और यहां से आर्म्स को कवर करता है ट्रंक रीजन कवर किया इसने पहले ये ये टोर्सो रीजन भी कवर किया ठीक है ये वाला दिस इज चोरसो टी ओ आर एस ओ यू राइट डाउन एस ओ टी ओ आर एस ओ दिस इज द स्पेलिंग एक्चुअली सो नाउ ये हो गया आपका यहां से फिर आपके स्टार्ट हो गए ये ये आपका लेग्स रीजन ठीक है तो ये गाउन फुली कवर ट्सो फ्रॉम नेक टू नीज फिर आर्म्स टू एंड फिर ये आर्म्स से आर्म्स की एंडिंग तक कवर करता है टू एंड ऑफ रिस्ट यहां तक आता है पहना पूरी फुल आर्म्स कवर की एंड रैप अराउंड द बैक और बैक से इसको रैपिंग कर लिया इस तरह से गाउन को पूरा बंद कर लिया फास्टर इन बैक ऑफ नेक एंड वेस्ट फास्टर मैंने बताया था बांध देना दो चीजों को क्लोजली बांधना तो एक इसका यह स्ट्रैप है यह वाला स्ट्राइप स्ट्रैप है यह लिया पीछे भी इस तरह से यहां पर टाई किया और यहां से टाई किया फास्टर्ड इन बैक ऑफ नेक एंड वेस्ट फास्ट एंड इन बैक ऑफ फास्टन इन बैक ऑफ नेक रीजन से यह किया और वेस्ट रीजन से टाई किया दोनों तरफ से ठीक <ouse> है इस तरह का यउंस इस तरह से डिजाइन है शू कवर्स शू कवर्स शुड बी मेड अप ऑफ इम फैब्रिक टू बी यूज पर्सनल प्रोटेक्शन एंड कंटेमिनेशन वो कह रहे शू कवर जो है वो किससे बनाना चाहिए इम फैब्रिक से इमपर्मीएबल मतलब होता है आई टेल यू ये आई ये दीज आर थिंग्स डेफिनेशंस विच आई दैट इम्पॉमिएबल मीन्स नॉट अलाइंग अ लिक्विड और गैस टू पास थ्रू इस तरह के फेब्रिक से यह डिजाइन होता है नॉट अलाइंग लिक्विड और गैस जो पास थ्रू इस तरह के फैब्रिक से डिजाइन होता है कि मान लो कोई इंफेक्टेड ड्रॉपलेट्स एंड लिक्विड ठीक है या कुछ ऐसी पॉइजनस गैसेज हुई बट इस केस में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं जैसे इंफेक्टेड ड्रॉपलेट्स आई उस पर फॉल हुई तो उससे वो आपके मान लो पाओ पे आपने उसको वेयर कर लिया आपने या फिर शूज के ऊपर वेयर कर लिया शू कवर्स को ठीक है अब वो जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के थ्रू अंदर इन्फेक्शन ना जा सके आपके शूज पे ना जा सके आपके पाओं पे ना जा सके तो इस तरह के फैब्रिक से डिजाइन होता है वो फैब्रिक कैसा होता है इम्परमीएबल ठीक है शू कवर शुड बी मेड अप ऑफ इम्परमीएबल फैब्रिक टू तो बी यूज ओवर शूज टू तो फैसिलिटेट पर्सनल प्रोटेक्शन ठीक है बचाव के लिए वही सारी चीजें बता रहा है वो कवर ऑल्स यूजली कवर द हेड ये जो कवर ऑल्स है ये ज्यादातर क्या क्या हेड कवर क्या कवर करता है हेड दोज यूजिंग गाउन्स जो गाउन्स शुड यूज़ अ हेड कवर दैट कवर्स द हेड एंड नेक वाइल प्रोवाइडिंग क्लिनिकल केयर फॉर पेशेंट्स अगर कोई क्लिनिकल केयर दे रहा है पेशेंट्स को तो इस तरह का पहनिए इस तरह से हेड कैप पहनिए जो आपके यहाँ से हेयर की कवरिंग के साथ साथ इस नेक के रीजन को कवर कर हेयर एंड हेयर एक्सटेंशंस शुड फिट इन साइड द हेड कवर इस तरह से प्रॉपर तरीका है पहनने का जो भी ये कई 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 बार क्या होता है इस तरह से हेड कैप लगा ली यहाँ यहाँ से बाल दिख रहे हैं इतनी इतनी हेड कैप है ढंग से उसको प्रॉपरली स्प्रेड नहीं किया अच्छे से अप्लाई नहीं किया तो प्रॉपरली पूरा ये रीजन कवर होना चाहिए बिल्कुल बाल ना बाहर रहे. ये नेक के रीजन तक यहाँ तक ले जाते हुए चलो आगे चढ़ सो दे दिस वॉज दिस इज ऑलमोस्ट कवर्ड

उसको प्रोटेक्ट करती है किस किस चीज़ से इनहेलिंग हजारडस हजारडर्स हज़ारडर्स मतलब क्या नुकसान पहुँचाने वाले जो कि कल को जानलेवा भी हो सकते हैं ऐसे नुकसान पहुँचाने वाले जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स रहते हैं इंक्लूडिंग हो सकता है कोई पॉइजनस फ्यूम्स हो एन्वायरमेंट में मान लो कोई फैक्ट्रीज में इतना काम होता है ना जैसे गैस फैक्ट्रीज हो गई ऑयल फैक्ट्रीज कितनी कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन के आते हैं दिस कैन बी पॉइजनस एज वेल किसी की कुछ पॉइजनस फ्यूम्स एनवायरमेंट में भी हो सकती हैं राइट कोई उस तरह के एन्वायरमेंट में काम करते हैं काफ़ी इस तरह के वर्कर्स राइट right? तो अपनी भी प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करते हैं कुछ वहाँ पे भी इस तरह के रेस्पिरेटर्स यूज होते हैं कुछ रेस्पिरेटर्स क्या होते हैं जैसे आपने अभी देखा पढ़ा कि एन नाइन्टी फाइव इट्स अ फ्लूड रेजिस्टेंस थ्री लेयर्ड मास्क आपने पढ़ा सर्जिकल मास्क इट्स अ फ्लूड रेजिस्टेंस मास्क ठीक है फ्लूड रेजिस्टेंस ये कुछ ऐसे होते हैं ऑयल रेजिस्टेंट मास्क होते हैं जो कि ऑयल से जैसे कोई ऑयल ड्रॉप्स आ रही हैं तो उसको सॉक नहीं कर करेगी अंदर मास्क पूरा प्रोटेक्ट करके रखेगा आपकी के फेस को अच्छे से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा अराउंड नाइन्टी अराउंड नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन्टी एट ये कैसे नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन्टी एट प्रोटेक्शन हमें देते हैं 99.98% प्रोटेक्शन हमें देते हैं बाहर के माइक्रो ऑर्गनिज्म से पता है आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के मास्क होते हैं अभी ये इसको N95 ही क्यों कहते हैं क्या है क्या एग्जैक्टली exactly? अभी वी विल स्टडी तो ये है इंक्लूडिंग फ्यूम्स या कुछ ऐसी वेपर्स हो गई वेपर्स पानी की वेपर्स ठीक है ये वेपर्स हो गई उसके अंदर वेपर्स के अंदर कुछ ऐसा है इंफेक्टेड है वो वेपर्स की या फिर गैसेस होगी पॉइजंस उनसे भी बचाव करता है पर्टिकुलर मैटर सच एज डस्ट पर्टिकुलर मैटर बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यो जिसके वो होते हैं साइज होते हैं जैसे डस्ट हो गया डस्ट से भी हमें प्रोटेक्ट करता है डस्ट ना हमें नुकसान पहुँचा दे एंड एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपने पढ़ा लाइक like ये वायरस हो गया फंगाई हो गया बैक्टीरिया हो गया जो एनवायरमेंट में हो सकता है कुछ इस तरह का तो उन सबसे हमें प्रोटेक्ट करता है ये रेस्पिरेटर इज़ अ डिवाइस इस तरह से ये एक डिवाइस है और इस तरह से डिज़ाइन की गई है ताकि हमें हज़ारडस हज़ारडस एटमोसफेरिक फॉरन बॉडीज़ हो गया या हज़ारडर्स गैसेज हो गई एनवायरमेंट में वेपर्स हो गई उन सब से हमारी प्रोटेक्शन हो सके रेजिस्टेंस प्रोवाइड ताकि हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो प्रोटेक्ट रहे ये जो हमें नुकसान कर सकते इस तरह के पार्टिकल्स हमारे अंदर एंट्री ना ले पाए तो रेस्पिरेटर N95 रेस्पिरेटर्स दैट फिल्टर आउट 95% फाइव अब इसको N95 नाइन्टी फाइव समझो इथ इज वेरी वेरी गुड टू तो नो इंफॉर्मेशन एन रेस्पिरेटर्स दैट फिल्टर आउट नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ एयरबोन पार्टिकल्स 95 फाइव क्यों लगता है ये जो एयरबोर्न पार्टिकल्स जो हैं उनसे 95 परसेंट प्रोटेक्शन देता है 95 परसेंट इसीलिए इधर 95 लगा आर गिवन 95 रेटिंग इसको जो रेटिंग मिली है ना कि कितनी प्रोटेक्शन कितनी परसेंटेज कितनी परसेंटेज क्या प्रोवाइड कर सकता है प्रोटेक्शन ये 95 परसेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है ये जो एनवायरमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे एटमोसफेयरिक जो uh, क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से 95 परसेंट प्रोटेक्शन कर सकता है रेस्पिरेटर फिल्टर और 95 परसेंट ऑफ एयरबोन पार्टिकल्स गिवन अ 95 रेटिंग सो एन 95 रेस्पिरेटर फिल्टर्स आउट नाइन्टी परसेंट ऑफ एयरबोन पार्टिकल्स, बट इज नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल बट इज नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल एन मतलब होता है नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल ऑयल को रेजिस्ट नहीं कर सकते ठीक है नहीं रोक सकते ऑयल को ये कहना चाहते हैं और जो एनवायरमेंट में 90 माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पार्टिकल्स होते हैं उनको जरूर यह 95 परसेंट प्रोटेक्शन देता है और फ्लूड से भी रेजिस्ट करता है कोई फ्लूड इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स उससे भी करता है लेकिन ये ऑयल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट नहीं होता इसीलिए ये एन लगता है मतलब नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल अब आगे बढ़े आपने पढ़ लिया वट इज टोर्सो ऑफ द बॉडी ट्रंक रीजन को हम टोर्सो कहते हैं यहां से जो आपका स्टार्ट हो रहा है यहां से टिल आपके लेग से अपर का रीजन दैट इज योर टोर्सो वट इज म्यूकस मेमब्रेन दिस वन जस्ट एज स्किन लाइन एंड प्रोटेक्ट द आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो हमारी स्किन लाइन है वो जैसे वो बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करती है ना ये हमारा स्किन स्किन की अपनी क्लाइनिंग होती है प्रोटेक्टिव जो हम कवरेज होती है स्किन की मेम्ब्रेन होती है जो हमें आउटर आउटर मेम्ब्रेन इनर मेमब्रेन स्किन की भी अपनी एक जोन होते हैं आउटर मेमब्रेन इनर मिडल इनर ठीक है डर्मिस डरमीजे इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन टू यू सो जैसे आपकी जस्ट ए स्किन लाइन एंड प्रोटेक्ट्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी जैसे स्किन पूरी बॉडी को लाइनिंग करती है हमारी बॉडी को क्या करती है प्रोटेक्ट करती है प्रोटेक्ट द आउटसाइड ऑफ द बॉडी बॉडी के आउटर रीजन को प्रोटेक्ट करती है म्यूकस मेम्रेस लाइन एंड प्रोटेक्ट द इनसाइड ऑफ योर बॉडी इसी तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है बॉडी को इनसाइड अंदर से प्रोटेक्ट करती है यू कैन यू कैन फाइंड म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड ऑफ योर नोज नोज के अंदर भी आप म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आपके जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था माउथ के अंदर भी लंग्स के अंदर भी एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी नोज में ईयर्स में भी हमने पढ़ा नोज में माउथ में लंग्स में और, और भी कुछ बॉडी के पार्ट्स में होती है लाइक like आईज द मोस्ट इनर लाइनिंग ऑफ सम मतलब गीली जो थोड़ी गीली गीली रहती है गीलापन मतलब द मोस्ट इनर लाइनिंग ऑफ सम एंड बॉडी कैविटीज सच एज द नोज माउथ लंग्स एंड स्टमक ग्लैंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन मेक म्यूकस ये म्यूकस क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था म्यूकस क्या है एक थिक सा स्लिपरी फ्लूड है स्लिपरी ठीक है इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे ग्लैंड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है इसने नोज को कवर किया हुआ है मान लो ठीक है अंदर की तरफ ये म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके अंदर कोई एक ग्लैंड है मान लो ये ग्लैंड है म्यूकस ग्लैंड इसको अंदर बोर्ड मान लो नोज ऑर्गन है ठीक है ये नोज के अंदर क्या है ये मान लो एक अंदर एक और लाइनिंग जा रही है ये एक लाइनिंग जा रही है अंदर ये बाहर व्हाइट वाली सेपरेट है ठीक है वो तो बाहर की स्किन वाली है ये अंदर से एक लाइनिंग जा रही है ये एक ये है म्यूकस मेम्ब्रेन ठीक है अब हम एक काम करते हैं इसको व्हाइट से लेते हैं ये बाहर का स्किन रीजन है स्किन की लाइनिंग है ये क्या करता है ये ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं ग्लैंड्स इसमें ये कुछ ग्लैंड्स हैं ऐसे समझ लो मैं एग्जैक्ट शेप नहीं बना रही हूं मान लो म्यूकस ग्लैंड्स आपकी म्यूकस ग्लैंड का क्या फंक्शन है क्लाइंट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ जैसे सिक्रीट करते हैं सिक्रीट मतलब निकालते हैं बाहर कुछ बॉडी के फंक्शन होने के लिए इनका क्या फंक्शन है दे सिक्रीट म्यूकस और म्यूकस क्या अभी आपने पढ़ा अथिक दे इट्स दे दे सिक्रीट म्यूकस ठीक है एम यू सी ओ ये म्यूकस अथिक ये क्या है अथिक स्लिपरी फ्लूड ये आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हुए उनमें भी तो थो थोड़ा सा उनमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए ना ताकि वो अपना फंक्शन अच्छे से कर सके वरना ऑर्गन्स ड्राई हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है हमें वो इसको हाइड्रेटेड रखने का हमारे अंदर ये जो ऑर्गन्स हैं जिस जिस चीज़ में ये अवेलेबल है इस तरह का ये म्यूकस प्लान म्यूकस मेम्ब्रेन जो कवर कर रही है जिन 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 ऑर्गन्स को उनको मॉइस्चर एक तरह का मॉइस्ट इन्वायरमेंट देता है ताकि वो अच्छे से हेल्दी रह सके फंक्शन अच्छे से कर सके तो म्यूकस मेम्ब्रेन का ये काम है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर म्यूकस प्लांट होते हैं और म्यूकस प्लांट होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं म्यूकस म्यूकस थोड़ा हेल्प करता है मॉइस्चर अच्छा सा मेंटेन करने में उन ऑर्गन्स के अंदर अब थिक स्लिपरी ये एक तरह का क्या है थिक स्लिपरी फ्लूड है अब इतना समझ आ गया सो ये है मेन जो इंपॉर्टेंट आपको मैं बताना चाहती थी जस्ट अ लिटल मोर इंफॉर्मेशन सो दैट उसके बाद एवरी थिंग वी कैन मूव ऑल ये कॉटन मास्क है आज आपने मास्क पड़ा ये सर्जिकल मास्क है इस तरह का ये एन नाइन्टी फाइव मास्क है काइंड ऑफ लुक्स ये, respirator mask ये के एन नाइन्टी फाइव रेस्पिरेटर मास्क है इसमें यह लगी हुई है रेस्पिरीशन के लिए एक तरह का ये काइंड ऑफ रेस्पिरीट देव एडजस्टेड सम काइंड ऑफ कॉयल है ठीक है तो जबकि लेकिन जो आई वुड से कि कुछ कुछ जगह पे ना ये इस तरह का एडजस्ट कर देते हैं कि बहुत इजीली कोई माइक्रोब अंदर एंट्री ले सकता है तो बी कॉशियस व्हेन यू आर बाइंग एनी एन नाइन्टी फाइव मास्क इट शुड बी एन नाइन्टी फाइव कहने के लिए एन नाइन्टी फाइव नहीं होना चाहिए फाइनल ओवर एनीवेज सो इट वाज लवली मीटिंग ऑल ऑफ यू होप यू गो थ्रू ऑल दिस वट आई हैव टोल्ड यू वट आई हैव एक्सप्लेन यू नो डाउन ऑल योर डाउट सो सी यू टू एंड टेक केयर ऑफ and stay healthy, stay fit. Bye bye.